हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट टॉपिक। सो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने काफी डिस्कस कर लिए हैं, यूनिट 3 तक ऑलमोस्ट आपका कवर अप हो चुका है। अब हम नेक्स्ट या लास्ट यूनिट के टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज इस टॉपिक को हम लेके बात कर रहे हैं वो है रेसिस्टेंस टू चेंज। इससे पहले हमने पार्ट में डिस्कस किया था कि जो चेंज आ रहा है उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज हमने डिस्कस किया, जिसमें पूरा एक प्रोसेस था कि अगर आप कोई चेंज ला रहे हो तो आप उसको प्लान कर रहे हो, फिर कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों को मना रहे हो, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड फर्दर आप उसको एक थ्रू आउट द प्रोसेस आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि वो चेंज सही से वर्क कर रहा है या नहीं या क्या प्रॉब्लम है। रेसिस्टेंस टू चेंज मतलब क्या है कि इम्प्लॉयज जो है वो उनकी टेंडेंसी होती है कि उस चेंज को वो रेसिस्ट करें, मतलब कि वो मना करें कि ये चेंज जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस रेसिस्टेंस टू चेंज को हम समझेंगे कि ये है क्या। ओके, सो रेसिस्टेंस टू चेंज हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो इम्प्लॉयज हैं वो क्या करेंगे, चेंज को रेसिस्ट करेंगे, मतलब कि वो मना करेंगे कि ये चेंज स्टार्टिंग में ही ना आए या बीच के थ्रू आउट अगर उन्हें डिफिकल्टी हो रहा है तो फिर वो रेसिस्टेंस शुरू कर देंगे कि अरे हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, आप इसको बदलिए। तो रेसिस्टेंस टू चेंज को हम यहाँ पे यही समझेंगे कि क्या होता है, जो हमने एक ब्रीफ में समझ लिया कि है बेसिकली क्या और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो रेसिस्टेंस टू चेंज इज अ कॉमन फिनोमिना दैट अकर व्हेन इंडिविजुअल और ग्रुप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट और अपोज अ प्रपोज चेंज। मतलब कि रेसिस्टेंस टू चेंज एक कॉमन फिनोमिना है जो ऑर्गेनाइजेशन में तब होता है जब जो इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चेंज को मना करते हैं कि ये चेंज जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट अपोज करते हैं। People may resist change for various reasons such as fear of unknown, concern about job security, disruption of routine or perceived loss of control. मतलब कि जो लोग हैं वो चेंज को रेसिस्ट करेंगे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला तो वो जानते नहीं है इस टेक्नोलॉजी को, हो सकता है फियर है उस चीज का, जॉब सिक्योरिटी का डर है, उनको लग रहा है हो सकता है ये अगर हम मशीन्स वगैरह आ गई तो हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी, या अगर हम उस मशीन को नहीं समझ पाए तो हम ऑफकोर्स निकाल दिए जाएंगे जॉब से। रूटीन डिस्टर्ब होगा, ऑफ कोर्स आप जिस पैटर्न में वर्क कर रहे थे अब नया चेंज आया तो आप ऑफ कोर्स आपको एडजस्ट करना पड़ रहा, तो जो रूटीन में आ गए थे आप, जो एक प्रैक्टिस बन गई थी ना ओल्ड चीज के साथ, वो अब कहीं ना कहीं जाने होती है। ठीक है, और लॉस ऑफ कंट्रोल, आपको लगता है कि हो सकता है हमारा जो कंट्रोल है वो भी कहीं ना कहीं लॉस हो जाए इस ऑर्गेनाइजेशन से, जो हमारा दबाव है, जो हमारी पावर है, जो हमारा उस पहले से जो हमारी कमांड थी वर्क में। ऑफकोर्स आपका पहले अगर आप एक्सपर्ट थे तो आपकी डिमांड थी ऑर्गेनाइजेशन में, अब आप क्या हो गए, बाकी लोगों के साथ एक ही सेम ट्रैक पे आ गए, क्योंकि आप वो भी नहीं जानते हैं वो नई चीज और आप भी नहीं जानते हैं। तो हो सकता है आपको लग रहा था जो मेरा रुतबा था उस एक्सपर्टीज की वजह से जो मुझे पहली वाली चीज में थी, अब मुझे उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंट्रोल मेरा लॉस होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग रेसिस्टेंस टू चेंज इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल चेंज इंप्लीमेंटेशन। अगर आप इस चेंज को अंडरस्टैंड कर लो और मैनेज कर लो, जो कि हमने से पहले पढ़ा था कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है, कि आप चेंज को किस तरीके से मैनेज करोगे। ठीक है, तो चेंज के मैनेजमेंट और रेसिस्टेंस को रोकना, मतलब या रेसिस्टेंस को मैनेज करना जरूरी है ताकि आप उस चेंज को इंप्लीमेंट कर पाओ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी चेंज आए, चाहे अपनी लाइफ में पर्सनल में देखो, आप पर्सनल में भी आप नहीं चाहते लोगों में चेंज आए, है ना, मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि आप यूज्ड टू हो जाते हैं, देन वो चेंज आता है, देन आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग हैं, वर्क कर रहे हैं, मान लो टाइमिंग में चेंज आ गया, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, लोकेशन बदल दी गई या मशीन्स नहीं आ गई, तो चेंज इज चेंज और आप रेसिस्ट करोगे, तो कैसे उसको एड्रेस करना है। पहला है कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट। तो कम्युनिकेशन या एंगेजमेंट आप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो चेंज है उसके लिए लोगों के रेसिस्टेंस को मैनेज करें या रोकें। पहला है आप ओपन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करो, मतलब उनसे बातचीत करो, उनको रीजन बताओ कि चेंज से क्या बेनिफिट है, क्यों चेंज लाए हैं हम, क्या इम्पैक्ट होगा एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन में उस चेंज का, ये आप उनसे कम्युनिकेट करिए, उन्हें बातचीत करिए, क्योंकि अगर आप बातचीत करते हैं ना तो आप उनका फीडबैक ले रहे होते हैं, उनसे जान रहे होते हैं कि क्या उनको दिक्कत है, फिर उस दिक्कत को आप रिजॉल्व करते हैं अपने एंड पे, तो क्या होता है फिर सामने वाले का दिमाग जो है वो जो भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और वो फिर फ्री हो जाता है कि चलो ठीक है वी विल एग्री।
तो पहला है कि आप बात करो, ठीक है। दूसरा है इंप्लॉय को इन्वॉल्व करो। इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन चेंज प्रोसेस बाय सीकिंग देयर इनपुट आइडियाज एंड सजेशन, मतलब कि इंप्लॉयज को इन्वॉल्व करो। कोई भी चेंज अगर आप ला रहे हो तो उससे उनको पूछो उनका इनपुट क्या है, उनके आइडियाज क्या है या उनका सजेशन क्या है, क्योंकि हर इंप्लॉय अपना आइडिया अपना सजेशन रखना चाहता है कि आप इस चेंज को इस तरीके से कर सकते हैं या तो हम शायद एडजस्ट कर ले जाएं, है ना। तो आप उनको बताओ, उनसे पूछो, लाइक टाइमिंग का आपने कोई चेंज किया तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे टाइमिंग एक्सटेंड करना है, मुझे थोड़ा सा वर्कर से अब ज़्यादा टाइम लेना है बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, तो हो सकता है आपने जो टाइम का चेंज किया हो उनको रात वाला समय ना समझ में, उन्हें है कि आप जल्दी दिन में बुला लो या सुबह जल्दी बुला लो या लंच ब्रेक छोटा कर दो। तो आप उनसे सजेशन लो, आइडियाज लो कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या चेंज के प्रोसेस में भी उनको क्या लग रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप इम्प्लॉयज को अगर इन्वॉल्व करोगे तो उन्हें भी लगेगा कि उस चेंज में उनकी भी कहीं ना कहीं ओनरशिप है, दे आर मोर लाइकली टू सपोर्ट। क्योंकि अगर आप उनके एडवाइस लेके उस हिसाब से उस चेंज को एडजस्ट करोगे तो फिर उनको लगेगा कि यार ये तो हम ही ने चेंज को एडजस्ट कराया है, तो अब हम इसको रेसिस्ट नहीं कर सकते, अब हमें इसे सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इम्प्लॉयज को एक्टिवली इन्वॉल्व करो, प्लानिंग में भी इन्वॉल्व कर सकते हो, मतलब जब आप चेंज ला रहे हो तभी उनसे सजेशन ले लो, फिर इम्प्लीमेंट करने में उनको इन्वॉल्व करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको इन्वॉल्व करके उनको रेसिस्टेंस जो है उनका जो है कि वो मना करेंगे उसको आप कम कर सकते हो या रोक सकते हो। एड्रेस कंसर्न एंड प्रोवाइड सपोर्ट, आप उनके जो भी कंसर्न है उसको सुनो और उसको एड्रेस करो इम्पैथेटिकली, मतलब कि उसकी बात को वैसे ही समझो जैसे वो आपकी बात हो या जैसे वो आपकी खुद की प्रॉब्लम हो, उस तरह से अंडरस्टैंड करो, उस तरीके का उसको सपोर्ट दो, ठीक है। टेक द टाइम टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड रेसिस्टेंस, अगर वो रोक रहे हैं लड़ रहे हैं उस चेंज के लिए तो उनको रीजन समझो कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, उनको सपोर्ट दो, उनको रीअश्योर करो कि ठीक है आपको दिक्कत है हम उस पर वर्क करेंगे, आप बताएं क्या आप दिक्कत है। तो ट्रेनिंग और रिसोर्स आप दे सकते हो, ऑफ कोर्स दिक्कत है उनको लग रहा है नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा, हम समझ ही नहीं पा रहे कैसे रन करना है, तो आप उन्हें गाइड करो, उनको कोचिंग दो, उनको मेंटोर करो, ठीक है, जिससे वो उसको समझ पाए और फिर वो एडजस्ट कर पाए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई चेंज के लिए रेसिस्टेंस हो रहा तो आप उसको कैसे रोकेंगे। क्रिएट अ शेयर्ड विजन, एक ऐसा विजन क्रिएट करो जो कि क्या हो, शेयर्ड हो, मतलब कि पेंट अ क्लियर एंड कंपेलिंग विजन ऑफ द फ्यूचर स्टेट आफ्टर द चेंज, हेल्प एम्प्लॉय अंडरस्टैंड हाउ द चेंज अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड वैल्यूज, कि आप उनको बताओ कि जो चेंज आया है, ठीक है, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। लाइक मैंने टेक्नोलॉजी में चेंज किया, मैंने और ईजी कर दिया टेक्नोलॉजी, अब लेकिन उनको नहीं समझ में आ रहा कि ईजी हो गया, उनके ऊपर भी बर्डन का कम आने वाला, वो नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने ही समझा ही नहीं पा रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करेंगे, आपका काम तो कम हो गया ना, आप ये तो समझिए, समझने में टाइम लगेगा लेकिन इससे आपका ही बेनिफिट है। तो आप उनको बताओ, वो विजन उनको शेयर करो उनके साथ कि क्या चीज है। एस्टैब्लिश अ सेंस ऑफ पर्पस एंड इंस्पायर एम्प्लॉयज टू एम्ब्रेस द चेंज बाय एम्फसाइजिंग द पॉजिटिव आउटकम दैट कैन बी अचीव, उनको पॉजिटिव आउटकम बताओ कि देखो इससे ये फायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छा ग्रोथ करेगी तो आपको भी प्रमोशन मिलेगा, तो वो सारी चीजें आपको उनको कम्युनिकेट करनी है। नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इम्प्लॉयज को एजुकेट करो कि देखो चेंज जो है वो जरूरत है समय की, चेंज तो आएगा ही आएगा, आपको इसको अडॉप्ट करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप तो पीछे ही रह गए, ठीक है, नहीं एडजस्ट कर पाए तो लोग बहुत आगे चले जाएंगे और फिर आप पीछे ही रह जाएंगे, कहीं ना कहीं आज आप रोकेंगे कल रोकेंगे लेकिन आने वाले समय में आपको फिर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो आप उन्हें एजुकेट करो या जो भी चेंज लाए हो उसके बारे में भी एजुकेट करो कि ये चेंज ऐसा है, इसके साथ ऐसे डील करना है, ठीक है। तो वही है जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप उनको बताओ कि अगर आप नहीं चेंज हो रहे हो तो उसका रिस्क क्या है, क्या आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। एड्रेस पावर एंड पॉलिटिक्स, अगर आपको लग रहा है कि चेंज जो आ रहा है उसके लिए जो रुकावटें आ रही हैं वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिटिक्स है, लोग एक दूसरे को भड़का रहे हैं या हमारे जो आउटसाइडर कॉम्पिटिटर है वो कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस ना कर पाए। तो जो भी पॉलिटिक्स चल रही है इंटरनल एक्सटर्नल उसको आप देखो, पहले तो इंटरनल देखो कि इंटरनली लोग क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या वो चेंज सही में वो नहीं लेना चाह रहे हैं या वो जानबूझ के नाटक कर रहे हैं, तो उसको देखो, उसको एड्रेस करो, ठीक है। रेसिस्टेंस टू चेंज कैन समटाइम्स स्टेम फ्रॉम पावर स्ट्रगल एंड कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑन द इंडिविजुअल स्पेसिफिक ग्रुप, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी पॉलिटिक्स डायनेमिक दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू रेसिस्टेंस, मतलब कोई भी अगर पॉलिटिक डायनेमिक है जिसके वजह से रेसिस्टेंस आ रही है, जो रेसिस्टेंस भी कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, उसको देखो, उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसको उसके साथ डील करो।
लीडरशिप सपोर्ट कर सकते हो, मतलब आप लीडरशिप प्रोवाइड करो, लीडर्स लाओ जो कि चैंपियंस हो चेंज के, जिन्हों चेंज से बढ़िया एकदम से कोप अप कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो गाइडेंस दे पाए, सपोर्ट कर पाए, मोटिवेट कर पाए, टाइम टू टाइम लोगों को रेनफोर्स कर पाए, ऐसा आप सपोर्ट डेवलप करो। ठीक है, तो ये हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से आप रेसिस्टेंस टू चेंज जो है उसको आप क्या कर पा रहे हो, डील कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो, मीनिंग क्या है, कैसे कर सकते हैं उसके साथ हैंडल, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और इसे नेक्स्ट पार्ट वाले जरूर देखेंगे और प्रीवियस पार्ट जरूर कवर अप कर देंगे ताकि आपका जो आपकी जो हेल्प है पेपर के लिए वो हो पाए। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करेंगे, अगेन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।